बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग 10th क्लास के फिजिक्स चैप्टर नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो नेक्स्ट टॉपिक है 14.13 हैजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसको स्टडी करेंगे। तो अगर हम लोग अपनी डेली लाइफ की बात करें तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हुई है, क्योंकि हमारी जितनी भी डिवाइसेस है, अप्लाइंसेस हैं, जिस तरह से हम लोग अपने मोबाइल्स की बात कर ले, फ़ोन की बात कर ले, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एसी, फैन, कोई भी चीज़, बल्ब, कुछ भी ले, सब के सब जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही वर्क करते हैं। तो इट मीन्स के जो इलेक्ट्रिसिटी वो अब हमारी लाइफ्स का जो है वो मेजर पार्ट बन चुकी, इसके बगैर हम लोग जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो लेके अगर हम लोग इसके जहाँ पे इसके इतने ज़्यादा यूजेस है वहाँ पे इसके कुछ हैजर्ड्स भी हैं। जिस तरह से अगर हम लोग अपनी बॉडी की बात करें, ह्यूमन बॉडी जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। इट मींस कि अगर हमारी बॉडी में से करंट पास हो, हमारी बॉडी क्योंकि गुड कंडक्टर है, इसमें से जो करंट जो है वो ईजिली पास आउट जो है वो हो सकता है। जब करंट हमारी बॉडी में से पास आउट होते हैं तो उसकी वजह से हमारे ऑर्गन्स जो हैं वो डैमेज होते हैं, और बाज़ का तो ऐसा होता है कि डेथ भी कॉज हो जाती है। अगर ज़्यादा अमाउंट में करंट जो है वो पास आउट हो जाए तो क्या होगा कि डेथ कॉज हो जाएगी। तो अगर हम लोग बुक की बात करें तो बुक के अकॉर्डिंग जो है वो 50 वोल्ट या फिर आप ये कह लें कि 50 मिली एम्पियर तक का भी अगर करंट हमारी बॉडी में से पास आउट होता है तो वो क्या करेगा, हमारी बॉडी को डैमेज करेगा। और अगर इससे कम अमाउंट में करंट जो है वो पास आउट होगा तो उससे क्या होगा, उससे हमारी बॉडी जो है वो सर्वाइव कर सके कि ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। तो ये आप MCQs के तौर पर भी वैल्यू को जो वो याद कर सकते कि MCQs के लिए भी ये आ सकता है कि कितने मिली एम्पियर या कितना वोल्टेज करंट जो है वो ह्यूमन बॉडी को जो वो डैमेज कर सकता है। तो अगर 50 वोल्ट या 50 मिली एम्पियर का करंट या इससे ज़्यादा का करंट बॉडी में से पास आउट होगा तो वो क्या करेगा, हमारी बॉडी को डैमेज करेगा। और अगर इससे कम होगा तो उससे जो है वो हमारी बॉडी को ज़्यादा डैमेज जो है वो नहीं होगा। तो अब हम जो है वो कुछ ऐसे फॉल्ट्स को स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, जो कुछ ऐसे फॉल्ट्स होते हैं जिसकी वजह से हैज़र्ड जो है वो कॉज आते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग स्टडी करेंगे वो है इंसुलेशन डैमेज। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंसुलेशन की। तो इंसुलेशन बेसिकली ये कवरिंग है, ठीक है, जो कि हम लोग वायर्स के ऊपर करते हैं, जो हमारी इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं, जहाँ अगर आप लोगों ने कभी भी देखा तो इस तरह हमारी वायर्स होती है और उसके ऊपर जो है वो हम लोगों ने प्लास्टिक कवरिंग की हुई होती है, ठीक है, ये प्लास्टिक कवरिंग होती है। ये प्लास्टिक जो है वो बेसिकली बैड कंडक्टर है, इसलिए इसमें से क्या होता है, करंट जो है वो पास आउट नहीं होता। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारी जो वायर्स है इसके अंदर, उनमें से तो करंट पास आउट होता रहता है, लेकिन ये कवरिंग की वजह से क्या होता है, करंट जो है वो अगर आप इसको पकड़ें, कवरिंग से पकड़ेंगे तो आपको कोई भी डैमेज जो है वो नहीं होगा, क्योंकि इसमें से करंट पास आउट नहीं होता, तो आप जो है वो सेफ रहते हैं। लेकिन अगर हमारा ये जो कवरिंग है, ये जो इंसुलेशन है, ये डैमेज हो जाए, जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग बात करते हैं कि हमारी ये वायर जब इसमें से करंट पास आउट होता है वायर में से, तो क्या होता है, जब करंट पास आउट होता है तो बेसिकली क्या होता है, चार्जेस फ्लो करते हैं। जब चार्जेस फ्लो करेंगे तो क्या होगा कि कोलाइजन होगी चार्जेस की, और चार्जेस जब कोलाइड करेंगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन होगी, ठीक है। तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। ये जो हीट प्रोड्यूस होगी ये क्या करेगी, ये जो हमारी कवरिंग है बाहर, जो हम लोगों ने इंसुलेटर यूज़ किए हुए हैं, ठीक है, इंसुलेशन हम लोगों ने की हुई है, इसको डैमेज करना शुरू करते कि विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये नहीं है कि एक दिन बाद ही आपकी जो कवरिंग है वो ख़राब हो चुकी होगी और डैमेज हो चुकी होगी, ऐसा नहीं होता। काफ़ी अरसे के बाद जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, बिल्कुल इस तरह जिस तरह से हम लोग
ह्यूमन बॉडी की बात करें कि हमारे जो ऑर्गन्स है वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम इनकी एफिशिएंसी जो है वो कम होती जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हम लोग जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं हमारी एफिशिएंसी कम होती जाती है, हमारे ऑर्गन्स जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह ये जो हमारे इंसुलेटिव मटीरियल हम लोगों ने यूज़ किया होता है वायर्स के ऊपर, ये भी क्या होता है, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। और बाद जब ये डैमेज होते हैं तो वहाँ से क्या होता है कि जो हमारे अंदर की वायर्स हैं इसके, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा कवर है, यहाँ से ये डैमेज हो गया, ये हिस्सा इसका डैमेज हो गया, ठीक है, नेक्ट हो गया। अगर अब यहाँ पर आपका हार्ट टच करता है तो यहाँ के अगर आप वायर को टच कर लेते इस हिस्सा से तो क्या होगा कि आपकी बॉडी में से करंट पास आउट होना शुरू हो जाएगा, और जैसे करंट पास आउट होगा ऑब्वियसली आपको नुकसान होगा, आगे बॉडी जो है वो डैमेज होगी, ठीक है। तो इसलिए क्या किया जाता है कि ये इंसुलेशन जो है अगर डैमेज होती है तो इससे भी हैजर्ड कॉज होते हैं, और बास का जो है वो सर्किट ब्रेक भी हो जाता है, सॉरी बास का शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए कि आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम या कुछ अरसे के बाद जो है वो आपको वायरिंग जो है वो चेंज कर लेनी चाहिए, ताकि जो आपके ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल है अगर ये डैमेज हो चुका है तो उससे कोई नुकसान ना हो, ठीक है। और अगर बाज़ का तो हम लोग ऐसा करते हैं कि डेली लाइफ में जो हम लोग घरों में बाहरी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, कोई मशीन वगैरह, उसकी डैमेज अगर ये कवर डैमेज होता है तो हम लोग क्या करते हैं उसको टेप से कवर कर लेते हैं, तो टेप की कवरिंग भी अगर हम लोग कर लें तो इससे भी जो है वो हम लोग डैमेज से जो है वो बच सकते हैं। तो ये सबसे पहले हम लोगों ने इंसुलेशन डैमेज की बात की, अब हम लोग जो है वो शॉर्ट सर्किट की बात कर लेते हैं, ठीक है। शॉर्ट सर्किट अब ये शॉर्ट सर्किट जो है वो क्यों होते हो, किस तरह से होते हैं, इसको हम लोग ज़रा देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोग घरों में जो कम्बिनेशन यूज़ करते हैं वो हम लोग पैरेलल कम्बिनेशन जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। पैरेलल कम्बिनेशन हम लोगों ने यूज़ की होती है। पैरेलल कम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कम्बिनेशन में जो है वो बेसिकली ये होता है, इस तरह से हम लोग इसकी थोड़ी फिगर बना लेते हैं ताकि ये जो है हमें ज़्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। इस तरह से रेजिस्टेंस हम लोगों ने लगाई होती है, ठीक है। यहाँ पर भी हमारी रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। और इसको जो है वो हम लोगों ने वोल्टेज बैटरी या जो भी हमारा सर्किट उसमें अटैच किया होता है, ठीक है। तो पैरेलल कम्बिनेशन का एक ये कि इसमें जो हमारा वोल्टेज होता है वोल्टेज वो सबको सेम मिल रहा होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। जितना वोल्टेज हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे सारे इनमें से जो है वो इक्वल सेम वोल्टेज जो है वो पास आउट होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारी रेजिस्टेंस है इसमें रेजिस्टेंस जो है वो हमारी कम होती है, और जो हमारा करंट है वो ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम होगी और जो करंट इसमें से पास आउट होगा हमारे पैरेलल कम्बिनेशन में वो क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग बात करें कि जो हमारी रेजिस्टेंस मान है ये हमारी है 5 ओहम्स, ठीक है, और जो हमारी रेजिस्टेंस 2 है ये हमारी है 3 ओहम्स, और ये जो हमारी रेजिस्टेंस है फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी 2 ओहम्स है, ठीक है। तो क्या होगा कि जो रेजिस्टेंस हमारी कम है अगर हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बजाय जो है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं, ठीक है, 3 रेजिस्टेंस यूज़ कर लेते हैं, तो जो रेजिस्टेंस हमारी मिनिमम होगी उसमें से उतना ही करंट ज़्यादा पास आउट होगा, ठीक है। और जितना इसमें से करंट जो है वो ज़्यादा पास आउट होगा, अगर इसमें अमाउंट करंट के अमाउंट जो है वो एक्सेस है बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा कि हमारा सर्किट जो है जो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ज़्यादा अमाउंट में करंट पास आउट होने की वजह से क्या हो जाएगा कि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और शॉर्ट सर्किट से क्या होगा कि हमारे जो है वो हैजर्ड कॉज हो जाएंगे, हमारा जो है वो फायर पास का तो ऐसा होता है कि फायर भी जो है वो लग जाती है, ठीक है।
तो आग निकलना शुरू हो जाती है, अपन हमारे सर्कल जो है वो ब्रेक हो जाता है, अप्लाइंसिस डैमेज हो जाती है, इस तरह से बहुत से हैज़र्ड जो है वो कॉज होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जितनी पैरेलल कम्बिनेशन का हमें ये तो फ़ायदा है कि हमारा वोल्टेज जो है वो हमें सेम अमाउंट में मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर इसका एक डिसएडवांटेज ये कि रेजिस्टेंस कम होने की वजह से क्या हो जाता है, वहाँ पर शॉर्ट सर्कट जो है वो हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो ये भी होता है कि हमारी जब वायर्स जो है वो डैमेज होती है, जब बाज का शॉर्ट सर्कट के एक रीज़न ये भी है कि जब हमारी वायर्स में से बहुत ज़्यादा करंट पास आउट होता है वायर्स में से, तो क्या होता है वायर्स की जो इंसुलेशन है वो डैमेज होती है। जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे बात की कि इंसुलेशन डैमेज होती है, तो इंसुलेशन डैमेज होने से भी क्या होता है कि हमारा शॉर्ट सर्कट हो जाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने दो रीज़न्स पाले शॉर्ट सर्कट की। इसके अलावा जो हमारी एक और रीज़न है वो हमारी ये है कि हमारे जो बास का आते ऐसा होता है कि हमारी जो न्यूट्रल वायर है और जो लाइव वायर है, ये फॉर एग्जांपल ये हमारी जो है वो लाइव वायर है। ठीक है, लाइव वायर ऐसी है जिसमें से हम लोग को कहते हैं कि करंट जो है वो पास आउट होता है, मींस जिससे डायरेक्ट हम लोग ने 220 वोल्टेज जो है वो प्रोवाइड किया होता है। जो हमारी न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल वायर जिसका वोल्टेज जो है वो ज़ीरो होता है, ज़ीरो वोल्ट हम लोगों ने इसे प्रोवाइड किया होता है, अगर इनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो जाए, ये आपस में डायरेक्ट मिल जाए, तो क्या होगा यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हमारे शॉर्ट सर्कट हो जाएगा, शॉर्ट सर्कट हो जाएगा अगर किसी भी तरह बाय चांस या गलती से किसी भी तरह हमारी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में इन कॉन्टैक्ट आ जाती, डायरेक्ट आपस में मिल जाती है, तो उससे भी क्या हो जाता है शॉर्ट सर्कट हो जाता है। और जब भी शॉर्ट सर्कट होगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज होगी, अप्लाइंसिस वगैरह डैमेज हो सकती है, करंट बहुत ज़्यादा पास आउट होता है, हमारा जो है वो सर्कट ब्रेक हो जाता है, और भी बहुत से हैज़र्ड्स फायर भी जो है वो बाज का जो है वो हो जाती है, आग लग जाती है इस तरह से। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए ये कि सबसे पहले जो है हमारे अगर इंसुलेशन डैमेज हो रही तो उसको कवर करना चाहिए, टेप वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, या आप लोग जो है वो मिट्टी पैसी जो टाइम थोड़े अच्छे बाद जो है वो अपनी वायरिंग जो है वो चेंज करवाए, जो न्यू वायर्स है वो आप डलवाएँ दोबारा घरों में, ताकि जो अगर डैमेज कोई वायर हो भी रही है तो उससे भी नुकसान ना हो। इसके अलावा ये कि आप रेजिस्टेंस को जो वो कोशिश करें कि इनकी जो वो ज़्यादा करंट जो है वो पास आउट ना हो वायर्स में से, नॉर्मल अमाउंट में करंट जो है वो पास आउट हो, अगर करंट ज़्यादा करंट पास आउट होगा मीन्स आप अपने वोल्टेज को जो वो मेंटेन रखें, क्योंकि अगर ज़्यादा करंट पास आउट होता है तो वो भी जो है वो हमारी वायर्स की कवरिंग को जो है वो डैमेज करती है। ठीक है, तो ये हमारे हैज़र्ड्स हैं, हैज़र्ड्स हैं, और सामने हम लोगों ने उसके कुछ प्रिकॉशंस भी पढ़ ली। जो हमारा नेक्स्ट हैज़र्ड है वो हमारा ये है, एक लास्ट इसकी प्रिकॉशन ये कि हम लोग जो वायर्स यूज़ करें, कोशिश करें ऐसी वायर्स यूज़ करें जिनकी इंसुलेशन जो है वो डबल लेयर हो, मीन्स के जो हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ करें वो डबल लेयर हो, ताकि अगर उसकी एक लेयर डैमेज हो भी जाती है तो भी आपको जो है वो कोई हैज़र्ड जो है वो कॉज ना हो। ठीक है, और आप जो है वो बच सके हैज़र्ड से। नेक्स्ट जो है वो हमारा ये है डैम्ड कंडीशन। ठीक है, अगर हम लोग ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो जो हमारी ड्राई स्किन होती है, ठीक है, हमारी ड्राई स्किन होती है, इसमें रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, वैसे तो हमने बात की कि हमारी बॉडी जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ करंट है और हीट है, लेकिन अगर हम लोग ड्राई स्किन की बात करते हैं, ठीक है, तो ड्राई स्किन जो है वो इसकी रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, ये रेजिस्ट करता है, और इसमें से जो अगर हमारी ड्राई स्किन होगी तो ज़्यादा करंट जो है वो हमारी बॉडी में से जो है वो पास आउट नहीं हो सकेगा रेजिस्टेंस की वजह से। तो ड्राई स्किन की जो रेजिस्टेंस है वो है 100,000 ओम्स। ठीक है, ये आप लोग MCQs के तौर पर भी जो है वो याद कर सकते हैं कि ड्राई स्किन की रेजिस्टेंस जो है वो कितनी होती है। ठीक है, ये आप लोग वैल्यू जो है वो याद कर लें, ये MCQs के तौर पर भी आ सकती है, और वैसे भी आपको
इतना नॉलेज होना चाहिए कि जरासी कहीं की रेजिस्टेंस जो है वो कितनी होती है। तो क्योंकि जरासी कहीं की रेजिस्टेंस होती है इसलिए जो है वो हमारी बॉडी में से जो क्रैम पास आउट नहीं होता, और अगर होता है तो बहुत कम अमाउंट में क्रैम जो है वो पास आउट होगा। लेकिन अगर हम लोग डैम्प की बात करते हैं, डैम्प कंडीशन में क्या होता है कि हम लोग वेट की बात करते हैं कि वेट स्किन, जब हम लोग जो है वो हमारा हाथ वगैरह गीले हो जाए, पानी वगैरह लगा हो या हम लोगों ने हाथ धोए हो, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं हम स्विच वगैरह को हाथ ना लगाए, क्योंकि जब वेट स्किन होती है तो जो हमारी रेजिस्टेंस है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, फ्यू हंड्रेड्स रेजिस्टेंस जो है वो रिड्यूस हो जाती है। जैसे ही हमारी रेजिस्टेंस रिड्यूस होगी तो क्या होगा कि करंट जो है वो ज़्यादा अमाउंट में पास आउट होगा। ठीक है, तो हमारी बॉडी में से जो है वो करंट ज़्यादा पास आउट होगा, अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा पास आउट होगा। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जब हमारी स्किन वेट हो तो हम लोग किसी भी ऐसे अप्लाइंस को यूज़ हाथ ना लगाए, टच ना करें जिनमें से जो है वो करंट पास आउट हो रहा है, मीन्स के स्विच वगैरह को हाथ ना लगाएं, अगर मशीन वगैरह को जा रही है तो उसकी वायर वगैरह को ना पकड़े, इस तरह से हम लोग जो है वो कोशिश करते हैं कि ना करें, क्योंकि हमारी रेजिस्टेंस जो है वो बॉडी की कम हो चुकी होती है। और रेजिस्टेंस का जैसे ही रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट जो है वो इजीली पास आउट होगा, और जैसे करंट ज़्यादा पास आउट होगा हमें बॉडी जो है वो डैमेज होगी हमारी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हम लोगों ने हैज़र्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात की, और इसमें हम लोगों ने सबसे पहले इंसुलेशन डैमेज की बात की कि हमारी जो वायर्स की कवरिंग है अगर वो किसी वजह से भी डैमेज हो जाती है तो उसे हैज़र्ड्स कॉज होते हैं। उसकी प्रिकॉशन ये है कि हम लोग जो है वो डबल ईयर इंसुलेशन यूज़ करें, और साथ में जो है वो हम लोग जो है वो इसे टेप वगैरह से कवर करें, और कोशिश करें कि हम लोग जो है वो वायरिंग को जो वो चेंज करते रहे विद द पैसेज ऑफ टाइम। फिर हम लोगों ने शॉर्ट सर्किट की बात की कि हमारे हम लोग पैरेलल कम्बिनेशन यूज़ करते हैं घरों में, तो पैरेलल कम्बिनेशन में अगर हम लोग इंडिविजुअल रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उसमें से ज़्यादा करंट पास आउट होगा, जैसे करंट ज़्यादा पास आउट हो जाएगा तो वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, या फिर वहाँ पर जो है वो फायर भी आग भी लग सकती है। तो इसके लिए क्या प्रिकॉशन है कि हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो यूज़ करें। लास्ट हम उसके अलावा हम लोग ने बात की थी कि अगर बाय चांस बाय मिस्टेक जो है वो हमारी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट आ जाती है, दूसरे को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करती है, टच करती है, तो उससे भी शॉर्ट सर्किट जो है वो हो सकते हैं। जिस तरह से हम लोग मोस्टली जो वो देखते हैं कि बच्चे जो है वो पतंग वगैरह उड़ा रहे होते हैं, तो वो जब वो उनकी दो पतंग की डोर होती है वो उसमें से भी हमारे जो वायर्स होती हैं उनके ऊपर से उनके अंदर से पास आउट हो जाए तो वहाँ पे भी शॉर्ट सर्किट जो है वो हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रल वायर और लाइव वायर जो है वो इन कॉन्टैक्ट आ जाती है, तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने डैम कंडीशन की बात की कि डैम कंडीशन में हम लोगों ने ये बात की कि हमारी जो ड्राई स्किन है वो उसकी रेजिस्टेंस होती है जिसकी वजह से करंट जो है वो ज़्यादा पास आउट नहीं होता बॉडी में से, और अगर हमारी स्किन वेट हो जाए तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में से ज़्यादा अमाउंट में करंट जो है वो पास आउट होता है। तो इसलिए इसकी प्रिकॉशन ये कि आप लोग कोशिश करें कि हमेशा हाथ वगैरह खुश करके किसी भी अप्लाइंस को, स्विच वगैरह को, प्लग वगैरह को जो वो टच करें, कभी भी गीले हाथों से जो है वो किसी भी स्विच को या प्लग को जो है वो टच ना करें। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।